रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग, मतलब आपका जो टखना है वो बार बार में ट्विस्ट हो रहा है, एंकल स्प्रेन बार बार में आ रहा है। आखिर ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जाए, इसको ठीक करने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं, क्या बिना सर्जरी से ठीक हो सकता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट गुड़गांव। जब आपका टखना या एंकल ट्विस्ट होता है, आप खेल रहे हैं, आपने सीढ़ी उतर रहे हैं, कभी भी ट्विस्ट हो सकता है वो, उस समय कई बार टखने के दो लिगामेंट में डैमेज आता है। एक का नाम है ATLF, एंटीरियर टैलो फिबुलर लिगामेंट, दूसरे का नाम है CFL, कैल्कोनियो फिबुलर लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट का पार्शियल टियर हो सकता है, हाई ग्रेड टियर हो सकता है, लो ग्रेड टियर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी जोर से हमारा एंकल ट्विस्ट हुआ है। एक बार इन लिगामेंट का बड़ा टियर आ गया तो रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग, मतलब बार बार में एंकल ट्विस्ट होता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब आपका पहली बार टखना ट्विस्ट हुआ है तो इसके अंदर रिहैबिलिटेशन और हीलिंग फेस को ढंग से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग ना डेवलप हो। तो इनिशियली ट्विस्ट होने के बाद आइस पैक लगा सकते हैं, एलिवेशन रख सकते हैं, कंप्रेशन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस मेथड। दूसरा, इसके अंदर रेस्ट आपको लेना पड़ता है लगभग 6 वीक का। तो रेस्ट में कुछ लोग एयर कास्ट देते हैं, कुछ लोग प्लास्टर लगा देते हैं, एंकल बाइंडर लगा सकते हैं। 6 वीक के रेस्ट के बाद रिहैबिलिटेशन फेज चालू होता है, जिसमें आपको ATFL और CFL एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी है। ये अगर आप एक्सरसाइजेज रेगुलरली करते हैं तो आपके जो मसल्स है वो स्ट्रांग बनते हैं, एंकल स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है, और हो सकता है कि आपको बार बार में रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग ना हो। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रह रही है तो आपको एक MRI कराना चाहिए। MRI में हमें मालूम पड़ता है कि आखिर जो हमारा एंकल है उसमें क्या क्या डैमेज है, क्या उसमें सिर्फ लिगामेंट का डैमेज है या उसमें कार्टिलेज का भी डैमेज आया है, और क्या क्या एसोसिएटेड डैमेज है एंकल के अंदर। अगर एक बार आपके CFL या ATLF का हाई ग्रेड टियर आ जाए और बार बार में ट्विस्टिंग हो रही है, तो उसके अंदर दोस्तों एक सर्जरी ही ऑप्शन रहता है। अगर आप सर्जरी नहीं कराते तो बार बार में एंकल ट्विस्ट होकर ख़राब होने लगता है। सर्जरी में हम ATLF और CFL रिपेयर करते हैं। ATLF रिपेयर को मतलब बॉस्टन रिपेयर बोला जाता है। तो बड़े ही फाइन सूचर एंकर्स आते हैं, जो बहुत ही अच्छे मटेरियल के ऑल सूचर एंकर्स आते हैं। कुछ एंकर्स ऐसे होते हैं जो बोन के मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह के एंकर्स आते हैं जिसके आगे एंकर लगे होते हैं। ये हैंडल है एंकर का, जिससे एंकर डालते हैं, तो इसके आगे एंकर लगे होते हैं। जो एंकल में, जो एंकर में जो धागे होते हैं, उस धागे से हम आपका टॉर्न लिगामेंट पकड़ लेते हैं, उसको दोबारा रिपेयर कर देते हैं। पर दोस्तों, जब आपके लिगामेंट को हम रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपके बॉडी का पूरा वेट आपके एंकल के ऊपर है, एक बार लिगामेंट रिपेयर होने के बाद बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उस पर वज़न देंगे तो वो रिपेयर फट सकता है, धागे हमारे रिपेयर्ड एंकल को काट सकते हैं। तो जनरली जब बॉस्टन रिपेयर किया जाता है तो लगभग 2 महीने तक, 1.5 से 2 महीने तक प्लास्टर लगा देना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन चालू होता है। दोबारा गेम में और रनिंग करने में 6 मंथ्स का टाइम लग जाता है। इसके अंदर भी फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट वज़न रखता है तो कई बार धागे नए टॉर्न लिगामेंट को काट देते हैं और वापस हमें टियर हो जाता है। आज कल हम बड़ी एडवांस तरीके से बॉस्टन रिपेयर करते हैं। बॉस्टन रिपेयर करने के बाद उसमें फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस लगाया जाता है दोस्तों। ये है फाइबर टेप, ये आपके नए रिपेयर को बचा के रखता है। रिपेयर के बाद फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस बना दिया, ये फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस आपके नए लिगामेंट को बचा के रहेगा, ना उसको लंबा होने देगा, ना फटने देगा, ना टूटने देगा। इससे हमारे ऑपरेटिव रिजल्ट बहुत इंक्रीज हो गए, बहुत अच्छे हो गए। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस विद ATFL रिपेयर के बाद आप 15 ही दिन सिर्फ प्लास्टर रखते हैं, हम कच्चा प्लास्टर, जब तक आपके टाँके हील नहीं हो जाते। 15 दिन के बाद आपको हम वज़न डलवाना चालू कर देते हैं पैर पे, धीरे धीरे वॉकिंग चालू होती है, जॉगिंग चालू होती है। 1.5 महीने में एथलीट वापस बैक टू रनिंग जा सकता है, अगर इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप हुआ है आपके एंकल लिगामेंट के रिपेयर के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका बार बार में टखना ट्विस्ट हो रहा है, एंकल ट्विस्ट हो रहा है, बार बार में एंकल स्प्रेन आ रहा है, या आपके MRI में ATFL या CFL इस तरह के लिगामेंट का टियर है, या कोई और टियर है, ऐसे कार्टिलेज का डैमेज है, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और मैं उसको देख के बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन प्रिस्टीन केयर।